करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की मुलाकात अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता बच्चन की शादी के दौरान हुई थी और यहीं से दोनों की मुलाकातें शुरू हुई और दोनों ने 2002 में हाँ मैंने भी प्यार किया है में काम किया और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों ने शादी के बारे में सोचा और 5 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद फैमिली की मर्जी से 2002 में दोनों की सगाई हुई। लेकिन 4 महीने ही इस सगाई को हुए थे कि करिश्मा कपूर की माँ को अभिषेक कामयाब नहीं लगे, क्योंकि जहाँ करिश्मा कपूर उस समय कामयाबी की बुलंदियों पर थी और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी, तो वहीं अभिषेक ने अपना करियर शुरू ही किया था और करिश्मा कपूर की माँ किसी न्यू कमर को अपनी बेटी का हाथ नहीं देना चाहती थी। फिर करिश्मा कपूर की माँ ने उनके लिए कामयाब बिजनेसमैन संजय कपूर को ढूंढा और 2003 में दोनों की शादी करा दी और 2 साल बाद करिश्मा कपूर की बेटी का जन्म हुआ। बेटी के जन्म के 7 साल बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे और फिर 2016 में करिश्मा कपूर और संजय कपूर का तलाक हो गया। फिर करिश्मा कपूर को अपने दोनों बच्चों की परवरिश अकेले ही करनी पड़ी। तो वहीं अभिषेक बच्चन ने भी 2007 में ऐश्वर्या राय से शादी कर ली।